भैया जी लोग थोड़ा सा साफ दूंगे। अरुण ज्वेलरी की दुकान है, ये क्या कहा है? क्या ये ज्वेलर है, वो लुटेरा है क्या? नहीं, ये छोटा मोटा फेरी का काम करता था घटना से पहले, और घटना के बाद इसको जब हैवी अमाउंट में पैसे और ज्वेलरीज मिले तब इसने इसको बेचने के लिए दुकान खोला है। जो आसपास के लोगों ने भी बताया कि 1-1.5 महीने पहले ही इसका दुकान खुला है। कुछ कागज मिले जैसे 27 जुलाई को शायद इसने शुरुआत भी की थी। दुकान का कंस्ट्रक्शन भी कम्प्लीटली न्यू था और काफ़ी इसने इन्वेस्टमेंट दिख रहा था। सारे पैकेट रैपर सब लगाया हुआ था, शीशे वगैरह सब लगाया हुआ था, और उसके बाद हम लोग को ये सारी चीज़ें ज्वेलरी मिली है। तो ये कम्प्लीटली इसी लूट से इन्वेस्ट किया था इसने इस दुकान में। इसको 3 माह पहले एक मेजर घटना घटी थी महुआ थाना अंतर्गत कृष्णा ज्वेलर्स में, जिसमें पूर्व में घटना का उद्भेदन हो चुका था। उससे पूर्व में 11 लोग जेल जा चुके थे, एवं पूर्व से ही अराउंड 13 किलो चांदी एम अराउंड 350 ग्राम स्वर्ण हम लोग बरामद कर चुके थे, जो स्वर्ण दुकानदार के यहाँ से लूट हुई थी। उसी क्रम में एक मेजर कैच, इसी घटना का मास्टरमाइंड हम लोगों ने पकड़ा है। एसटीएफ की सहायता से हम लोग उसको पकड़ पाए हैं कंबाइंड टीम एफर्ट्स में, एवं उसके मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी एवं उसके बताए हुए उस निशानदेही पे इसी केस से संबंधित तकरीबन 27 किलो 300 ग्राम चांदी लूटी हुई एवं लूटा हुए सोना और भूषण 273.96 ग्राम और रिकवर हुआ है। तो कुल रिकवरी चांदी की हो गई है 40 करोड़ से अधिक, एवं सोने की रिकवरी हो गई है करीब 725 ग्राम सोना हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। घटना का मास्टरमाइंड चंदन चंदन सोनी और चंदन शाह है। चंदन सोनार ये पिता नरेश शाह रहने वाला है बेसिकली घटोह का, घटोह ओपी पड़ता है जिला समस्तीपुर में। घटना के मास्टरमाइंड ये था, एवं अन्य दो अन्य मुख्य अभियुक्तों के साथ मिलकर इसने प्लानिंग रची थी, रेकी की थी एवं इस घटना को अंजाम दिया था। तो उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है, वो हथियार के साथ अरेस्ट हुआ और फिर उसकी निशानदेही पे समस्तीपुर उजियारपुर थाना अंतर्गत पड़ता है, जिसके यहाँ उसने इस सामान को बेचा था, छुपाया था, वहाँ भी गिरफ्तारी की गई है। इस संदर्भ में उजियारपुर थाने में भी हथियार रिकवरी का एक केस किया गया है। 2 हथियार एवं कुछ गोलियाँ मिली थी। इस संदर्भ में जो मौका वारदात था उस जगह पर उजियारपुर में, तो संबंधित थाने में केस दर्ज किया गया है, रिकवरी का केस हम लोग के यहाँ दर्ज हुआ है। इस प्रकार एक इम्पॉर्टेंट उपलब्धि मिली है वैशाली पुलिस को। यहाँ की SIT टीम, DIO टीम, SDPO महुआ के नेतृत्व में जिसने काम किया, काफ़ी अच्छा काम किया है, टीम को पुरस्कृत किया जाएगा एवं हमारे टॉप फाइव में शामिल इस अपराधकर्मी को पकड़ा है। इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, बेगूसराय बैंक लूट में रहा है ये, समस्तीपुर में लूट कर चुका है और पहले भी सोना दुकान में लूट गया। ये हमारे यहाँ भी 4 केसेस में वांटेड चल रहा था। इससे पहले 2 साल पहले महुआ में ही एक घटना हुई थी, जिसमें कि थाने के सामने के पास में से फायरिंग करते हुए दुकान पे से भागा था ये, जो पुल पार करते हैं वहाँ पे दुकान का नाम, तो वहाँ घटना हुई थी। और पिछले साल पातेपुर में भी घटना, इसमें मालपुर में एक घटना हुई थी चांदी, उसमें मेजरली लूटा गया था, वो घटना इसी ने कार्यरत की थी, इसमें फरार चल रहा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैच कंबाइंड एफर्ट से वैशाली पुलिस के हाथ लगा है, एवं जो कांड को उद्भेदन पूर्ण हो चुका था लेकिन उसमें जो बाकी बचे हुए आभूषण थे उसका मेजोरिटी पार्ट हम लोग रिकवर कर चुके हैं। जी बताया कि इसने रैकी की थी, इसने लोगों को जोड़ा, इसकी नज़र उस पर थी, पहले भी ये महुआ में लूटपाट कर चुका था, एवं अन्य इसने कुछ बातें बताई हैं जो कि अभी अनुसंधान अंतर्गत हैं एवं उस पर हम लोग फर्दर काम कर रहे हैं
जो और भी इसमें कुछ लोग अगर बचे हुए हैं, अभी भी बचे हुए हैं, काफ़ी दो तीन अलग अलग लोगों ने मिलकर अपने साथ में गैंग बनाकर इस घटना को दिया था, उनकी भी निशानदेही हो गई है, उनके बारे में भी और अधिक हमें इम्पोर्टेंट जानकारी इस केस के बारे में मिली है, उस पर काम चल रहा है। कितने लोग फर्दर एक्शन होगा? 11 पहले थे और 3 अभी गिरफ्तार हुए हैं, तो इससे मिलाकर के इस पूर्ण कांड से संबंधित में अब तक 14 व्यक्ति हम गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसमें घटना कारित करने वाले, सहयोग करने वाले, माल ठिकाने लगाने वाले, लूट का सामान खरीदने वाले सभी लोग शामिल हैं।